टू माय चैनल। सो आज का वीडियो है ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन वीडियो। मेरे पास एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल है, उसको मैंने कैसे ऑर्गेनाइज करके रखा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। हम यहाँ पे रेंट पे रहते हैं तो हम ज़्यादा बड़ा सामान नहीं लेते, ज़रूरत के हिसाब से ही सामान लेते हैं। तो इसीलिए जब ड्रेसिंग टेबल लेने का सोचा हमने तो छोटा सा ही लिया, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया। लेकिन उस छोटे से ड्रेसिंग टेबल में कैसे हम चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं ताकि उसमें ज़्यादा सामान आए और वो थोड़ा ऑर्गेनाइज भी दिखे, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल और ये हूँ मैं। सो मेरा जो ये ड्रेसिंग टेबल है इसके नीचे है एक डोर, उसको मैं बाद में दिखाऊंगी कि उसके अंदर मैंने क्या रखा है। सो पहले आते हैं मिरर के पीछे वाले हिस्से में। तो मिरर के पीछे मेरा टोटल है 4 सेल्फ। सो ज़्यादातर सामान को मैंने अंदर ही रखा है, सारे सेल्फ में मैंने रख दिया है अलग अलग करके सारा सामान, ताकि वो ढूंढने में मुझे आसानी हो। सो ऊपर वाले सेल्फ में मैंने वही सामान रखा है जो मुझे थोड़ा कम यूज़ में आता है, जैसे कि पाउडर्स, वॉक्सिंग स्ट्राइप्स, ये सब मुझे कम यूज़ में आता है। पाउडर को मैं कुछ दूसरे जगह पे थोड़ा निकाल लेती हूँ तो कम यूज़ होता है। उसके नीचे वाले सेल्फ में मैं एक कोने में रखी हूँ मेरा सारा जेल और टोनर और पील ऑफ मास्क, और उसके साइड में मैं रखी हूँ सारे डिओड्रेंट्स के बॉटल और परफ्यूम के बॉटल्स। यह है एक छोटा सा लिवोन का सीरम। लिवोन का सीरम मैं हर बार यूज़ नहीं करती, कभी कभी यूज़ करती हूँ। उसके नीचे वाले हिस्से में एक कोने में मैंने रखा है सेफ्टी पिन, वो जब साड़ी पहनती हूँ तो वो यूज़ में आता है। उसके साइड में है सिंदूर की डिब्बी, और उसके साइड में सारा बॉडी लोशन और क्रीम्स, एनवाईबे का प्राइमर है, लैक्मी का फाउंडेशन है, और ये एक आई शेडो पैलेट है। मेकअप में ज़्यादा नहीं करती, मतलब मुझे करना नहीं आता है मेकअप। और उसके नीचे वाले हिस्से में है ये लिपस्टिक का स्टिक्स है, और ये कुछ नेल पॉलिश है। उसके साइड में एटीट्यूड का एक छोटा लिपस्टिक का किट है, ये ट्रायल बेसिस पे दिया था मुझे। और उसके साइड में जो कॉफ़ी मग है, कॉफ़ी मग में मैंने रखा है टिश्यू पेपर, उसके साइड में बिंदी है। और मिरर के पीछे जितना भी स्पेस था उतने में मेरा इतना ही सामान आ पाया है। मैंने पहले ही कहा था कि ड्रेसिंग टेबल थोड़ा छोटा है, लेकिन मैं कोशिश करके सारा सामान उसके अंदर रख दी हूँ। उसके साइड में ये छोटा छोटा सेल्फ दिया है, तो ऊपर वाले सेल्फ में और उसके नीचे वाले सेल्फ में मैं कुछ डेकोरेशंस के सामान रखी हूँ। ये है एक पज़ल का सेट था जो मैंने गाड़ी बनाया है, और ये मेरे बेटे का कटर है, रबर है। उसके नीचे ये दो बॉक्सेस है, उस एक में मैंने रखा है सारा लिक्विड लिपस्टिक्स, मैट लिपस्टिक है, और उसके साइड में जो डिब्बा है, बॉक्स है, उसके अंदर मैंने रखा है काजल और ये सब, काजल, आईब्रो, ये एनवाईबे का लिक्विड लिपस्टिक है, और ये हुडा ब्यूटी का लिक्विड लिपस्टिक है। लिपस्टिक का कलेक्शन ज़्यादा नहीं है मेरे पास, बस थोड़ा सा ही है। उसके नीचे इसमें इस बास्केट में मैंने रखा है सारे कॉम्ब्स, और उसके साइड में एक छोटा सा सोप पीस, और सबसे नीचे वाले हिस्से में ये जो ये इस बॉक्स के अंदर मैंने रखा है सारे नेल पॉलिश मेरे, जितने सारे मेरे पास हैं उतने। और ये साइड में मैंने घड़ी रखी है मेरे हस्बैंड का, और ये दो मेरे हैं। और उसके पीछे जो पेन स्टैंड है, पेन स्टैंड के अंदर मैंने ऐसा कुछ पेंस रखा है, ये कुछ यूज़ में नहीं आते हैं, लेकिन अगर कहीं मुझे मिल जाता है ऐसा कुछ सामान छोटा छोटा तो मुझे अच्छा लगता है रखने में, तो मैं ले आती हूँ उसको। और उसके साइड में जो छोटा सा ड्रॉयर है, उस ड्रॉयर में मैंने रखा है मेरे डेली यूज़ के कुछ ईयरिंग्स जो मैं डेली बेसिस पे पहनती हूँ, और वहाँ पे खोल के रखने में मुझे इजी होता है। ज़्यादा ईयरिंग्स नहीं है उसके अंदर, थोड़ा सा ही है। मुझे ईयरिंग्स का कलेक्शन ज़्यादा पसंद है। ईयरिंग्स में सब साड़ी या ड्रेस के साथ मैचिंग करके ईयरिंग्स पहनना मुझे पसंद है, तो वो जो नीचे वाला हिस्सा है मेरे ड्रेसिंग टेबल का, उसमें मैं सारे मेरे ज्वेलरी रखती हूँ। और ये ज्वेलरी स्टोरेज बॉक्स है, ये एक
उसमें भी कुछ नेकलेस हैं। मेरे ज्वेलरी का कलेक्शन मैं आपको एक अलग सा वीडियो बना के दिखाऊंगी। ये दो स्टोरेज बॉक्स है, इसमें एक में हो है सारे क्लचर्स और हेयर बैंड्स वगैरह, और दूसरे में है ये मेरे DIY रेमेडीज़, जो भी मैं बनाती हूँ वही सारा सामान है। मुल्तानी मिट्टी, ऑरेंज पील पाउडर, वाइल्ड टर्मरिक, सैंडलवुड पाउडर, ये सब मैंने ऑनलाइन परचेज किया था। और उसके अंदर है ये एल्फ गुडनेस का चारकोल का मास्क है, और ये एक स्क्रब है, ये एक फेस पैक है, और ये है एक कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल मैंने आपको एक मेरा एक पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कैस्टर ऑयल कैसे हम यूज़ करेंगे आईब्रोज़ में और आईलैशेस में, और ये एक नेल कटर है। तो मेरा जो नेक्स्ट है, नीचे वाले हिस्से में वो जो डोर था, डोर के अंदर इतना स्पेस है, तो डोर के इसीलिए दो साइड में मैं ऐसे हुक दो लगा दी हूँ ताकि उसमें मैं मेरा कुछ नेकलेस टांग सकूँ। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। और उसके अंदर एक चूड़ी का स्टैंड है जिसमें मेरे सारे चूड़ियाँ हैं। चूड़ियाँ तो मैं ज़्यादा नहीं पहनती, इसीलिए मेरे पास कलेक्शन भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है बस। चूड़ियाँ मैं जब साड़ी पहनती हूँ तो ज़्यादा चूड़ी पहनती हूँ, जब ड्रेस पहनती हूँ तो थोड़ा कम। और ये एक कटोरी के अंदर मैंने कुछ इयररिंग्स रखे हैं, ये भी मैंने कुछ दिनों पहले यूज़ किया था तो उसको अंदर नहीं रखी, ऐसे ही कटोरी में रख दिया। और इस डिब्बे के अंदर मैंने कुछ चूड़ियाँ भी रखी हैं। ये चूड़ियाँ ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, इसीलिए बॉक्स के अंदर ही मैंने रख दिया। अगर कभी यूज़ होता है तो मैं निकाल के पहन लेती हूँ। और इस बॉक्स के अंदर, ऐसे छोटे छोटे बॉक्स के अंदर मेरे पास इयररिंग्स भरे पड़े हैं। इयररिंग्स का कलेक्शन मेरे पास ज़्यादा है, बाकी कुछ चीज़ों का कलेक्शन नहीं है, सब थोड़े थोड़े ही हैं। तो ये सारे इयररिंग्स मैं अगर कहीं घूमने जाती हूँ तो वहाँ से लाती हूँ, या यहाँ पे कुछ मेला लगता है तो वहाँ से लाती हूँ, लोकल स्टोर से लाती हूँ। जहाँ पे मुझे इयररिंग्स अच्छा दिख जाए तो मैं लाती ही हूँ। इन सारे डिब्बों में थोड़ा थोड़ा करके मेरे पास इयररिंग्स ही है। एक दो इयररिंग्स में थोड़ा स्टोन वगैरह निकल गया है तो उसको सबसे नीचे मैंने रख दिया है, उसको मैं यूज़ नहीं करती लेकिन फेंकने का भी मन नहीं करता है, इसीलिए मैंने उसको नीचे रख दिया है, शायद कभी किसी काम आ जाए, मतलब कुछ DIY बनाने में कुछ काम आ जाए। और उसके साइड में जो बॉक्सेस हैं उसके अंदर कुछ चूड़ियां हैं, और ये है मेकअप का स्पॉन्ज, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, और इसके अंदर सारे चूड़ियां हैं। और ये नीचे जो दो प्लास्टिक के बॉक्स दिख रहे हैं वो ज्वेलरी बॉक्स हैं, उसमें नेकलेस सेट है। और ये जो पिंक कलर का प्लास्टिक बॉक्स है इसके अंदर मैंने कुछ रिंग्स रखे हैं, स्टोन का रिंग्स है, कभी कभी पहनती हूँ अगर कुछ साड़ी या फिर ड्रेस के साथ मैच हो जाए तो मैं ये रिंग्स पहन लेती हूँ, नहीं तो मैं नॉर्मल जो गोल्ड का रिंग्स में जो जितना पहनती हूँ डेली बेसिस पे वही मैं पहनी रहती हूँ। और अगर कभी कुछ पार्टी वगैरह में जाना होता है तो मैं ये रिंग्स पहन लेती हूँ कभी कभी। और ये बॉक्स के अंदर मेरा एक नेकलेस है जो मैंने ऑनलाइन परचेज किया था, ये बहुत ट्रेंड में चल रहा था उस टाइम पे, पिकॉक डिज़ाइन का है, मुझे बहुत अच्छा लगा था और पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता भी है। ये पिकॉक डिज़ाइन का इयर रिंग्स है और उसके साथ 3 लेयर वाला नेकलेस दिया था, बहुत अच्छा लगता है साड़ी के साथ पहनने के बाद। और ये एक पेयर है एंकलेट का, ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया आज तक, बस ला के रखी हूँ वैसे ही, वो भी ऑनलाइन था। और ये कुछ थोड़ा सा इयर रिंग्स है इस यहाँ पे भी, मेरे घर में आप जहाँ पे देखेंगे इयर रिंग्स ही मिलेगा आपको, क्योंकि इयर रिंग्स का शौक मुझे बहुत है। और सारे ड्रेसेस के साथ मैचिंग करके और साड़ी के साथ मैचिंग करके मैं इयर रिंग्स पहनती हूँ, मेरा शौक बस इतना ही है। और ये था मेरा ड्रेसिंग टेबल, और ड्रेसिंग टेबल का ऑर्गेनाइजेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं मुझे। मेरे हिसाब से मैंने जितना मुझसे हो सका मैंने उसको ऑर्गेनाइज करके रखा है। सो अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।